क्लास फोर चैप्टर सिक्स माय अर्ली होम। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वाज ए लार्ज प्लीजेंट मीडो विद ए पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। वह पहला स्थान जिसे मैं अच्छी तरह से याद कर सकती हूँ या वह स्थान मुझे अच्छी तरह से याद है, वह था एक बड़ा आनंददायक चारागाह जिसमें कि एक पॉन्ड था, तालाब था, जिसमें बहुत ही क्लियर वाटर था। सम सेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट एंड रसेस। कुछ छायादार वृक्ष उस पर झुके हुए थे और रसेस बढ़ रहे थे। एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड। और गहराई में वाटर लिलीज भी बढ़ रही थी, उग रही थी। ओवर द हैज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू ए प्लो फील्ड। एक किनारे पर हमने एक जुता हुआ खेत देखा। एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर ए गेट एट अ मास्टर्स हाउस। और उसके दूसरे किनारे पर हमने अपने मास्टर के हाउस का, अपने मालिक के घर का गेट देखा। विच स्टूड बाई द रोड साइड, जो कि रोड के किनारे बना हुआ था या खड़ा था। एट द टॉप ऑफ द मीडो वॉज द ग्रोव ऑफ फर ट्रीज। उस चारागाह के टॉप पर फर के वृक्षों का एक समूह था। एंड एट द बॉटम ए रनिंग ब्रुक ओवरहंग बाई ए स्टीप बैंक। और उसके तली में, उसके निचले हिस्से में एक ब्रुक बह रही थी जिसका कि खड़ा किनारा था। वाइल आई वॉज यंग आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क एज आई कुड नॉट ईट ग्रास। जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माता के दूध पर आश्रित रहती थी क्योंकि मैं ग्रास नहीं खा सकती थी, घास नहीं खा सकती थी। इन द डे टाइम आई रेन बाई हर साइड एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाई हर। दिन में मैं अपनी माता के साथ साथ दौड़ती थी और रात्रि में उसके पास लेट जाती थी। When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the tree. जब मौसम गर्म होता था तो हम पॉन्ड के साइड में जो वृक्ष लगे थे उनकी उसकी छाया में चले जाते थे। And when it was cold, we had a nice warm shade near the grove. और जब मौसम ठंडा होता था तो हम फर के वृक्षों का जो समूह था उसकी गर्म छाया में चले जाते थे। As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी माँ को काम करने के लिए बाहर जाना होता है। अब मैं घास भी खा सकती हूँ और मेरी माँ दिन में काम करने के लिए बाहर जाती हैं और मैं और शाम को वापस आती हैं। There were six young colts in the meadow besides me. चारागाह में मेरे अलावा सिक्स यंग कॉल्ट्स और भी थे। कॉल्ट्स छोटे छोटे हॉर्सेस। दे वर ओल्डर देन आई वाज। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस। कुछ मुझसे बड़े थे। दे वर ओल्डर देन आई वाज। वे सभी जो थे वो मुझसे बड़े थे। कुछ ग्रोन अप हॉर्सेस, लगभग हॉर्स के जितने बड़े होने वाले थे। I used to run with them and had a great fun. मैं उनके साथ साथ दौड़ती थी और मुझे बहुत ही आनंद आता था। We used to gallop all together round and round the field as hard as we could go. हम सभी फील्ड में राउंड में एक साथ घूमते थे, कदम से कदम मिलाकर घूमते थे, सॉरी दौड़ते थे जितनी तेज हम दौड़ सकते थे। Sometimes we had rather rough play. For they would frequently bite and kick as well as gallop. जब कभी हम लोग जब हम साथ साथ खेलते थे कभी कभी, तो वो जो अदर कॉर्ड्स थे वो असभ्यता का परिचय देते थे, असभ्य तरह से खेलते थे। कभी कभी बाइटिंग भी करते थे और किकिंग भी करते थे। One day when there was a good deal of kicking, my mother went to me to come her and then she said. एक दिन जब किकिंग का मामला सामने आया, एक दिन जब माँ ने किकिंग करते हुए देखा, मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। आई विश यू टू पे अटेंशन टू वाट आई एम गोइंग टू से टू यू। मैं आशा करती हूँ कि तुम ध्यान दोगी जो अब मैं कहने जा रही हूँ। द कॉल्ट्स हु लिव हियर आर वेरी गुड कॉल्ट्स। वो कॉल्ट्स जो यहाँ रहते हैं वो बहुत अच्छे कॉल्ट्स हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉल्ट्स, लेकिन वो कार्ट हॉर्स कॉल्ट हैं। एंड
कार्ट हॉर्स कॉर्ट्स जो गाड़ी चलाते हैं, जिनको घोड़ा गाड़ी में यूज किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, निश्चय ही उन्होंने मैनर्स नहीं सीखे हैं। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न, तुम निश्चय ही एक हाई पोजीशन की फैमिली से आई हो और अपर क्लास की फैमिली से ही बिलोंग करती हो। योर फादर हैज़ ए ग्रेट नेम इन दिस पार्ट, तुम्हारे पिता का इन सब क्षेत्रों में बहुत ही नाम है। एंड योर ग्रैंडफादर वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस, और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने न्यू मार्केट की रेस में 2 cup जीते थे। योर ग्रैंड मदर हैड ए स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, और तुम्हारी जो दादी थी वो भी अपने मधुर आचरण के कारण हॉर्सेस में जानी जाती हैं, मैं ये जानती हूँ। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने कभी भी मुझे किक करते और बाइट करते हुए नहीं देखा होगा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, मैं आशा करती हूँ कि तुम भी सज्जन और अच्छी बनोगी, बड़े होकर सज्जन और अच्छी बनोगी। एंड नेवर लर्न बैड वेज, डू योर वर्क विद ए गुड विल, अपना कार्य एक अच्छाई के साथ करो, अच्छी भावना के साथ करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट, और जब तुम ट्रॉटिंग कर रही हो अपने फीट को, अपने पैरों को अच्छे से उठाओ, मतलब चलने में आप अपने मैनर्स का परिचय दो। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और जब भी खेलो तो कभी भी किसी को बाइट नहीं करो और किक नहीं करो। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मैं अपनी माता की एडवाइस को कभी नहीं भूली। आई न्यू शी वाज ए वाइज ओल्ड हॉर्स, कि वे बहुत ही बुद्धिमान ओल्ड हॉर्स थी। एंड आ मास्टर थॉट ए ग्रेट डील ऑफ हर, हर नेम वाज डचेस बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, मेरे मास्टर उनको बहुत मानते थे, उनका मेरी माँ का नाम डचेस था लेकिन वह उन्हें पेट कहकर बुलाते थे।